वन विभाग की मनमानी से परेशान है 15,000 लोग। केतकी पाड़ा धारखाड़ी की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित। दहीसरपुर धारखाड़ी केतकी पाड़ा गैस गोदाम के आसपास में रहने वाले लगभग 15,000 लोग आज भी बिजली पानी गटर शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ पर 1995 के सर्वे के अनुसार लगभग 5,000 झोपड़े वन विभाग की जमीन पर पाए गए थे। वन विभाग के अधिकारियों की मनमानी से यहाँ की गरीब जनता काफी परेशान है। इनके घरों को वन विभाग के लोग अवैध बताते हैं, उन्हें घर रिपेयरिंग की परमिशन भी नहीं देते, जिसके कारण यहाँ की जनता को कानूनी तौर पर बिजली का मीटर पानी का कनेक्शन नहीं मिलता है, लेकिन इनका वोट लीगल है। ये लोग हर चुनाव में मतदान करते हैं। क्या नाम है आपका? देवशाला अच्युत शिंदे। कहाँ पे रहती हैं आप? शिवाजी नगर। अच्छा, क्या तकलीफ है, क्या समस्या है, आपको जरा बताइए। मेरा तकलीफ ये है कि हमारे फॉरेस्ट वाले ने हमारे से पैसा लिया है कि तुम लोग का कानून में बैठता है करके 7,000 रुपया हम लोग भर रहे, हम लोग 7,000 रुपया भर रहे, लेकिन हम लोग का इधर भाड़े से लाइट वापरते हैं, हम लोग पानी 5 रुपये एक हंडा ला के वापरते हैं, तो हम लोग का पैसा तो लिया तुम लोग फॉरेस्ट वाले ने, लेकिन हम लोग को जितना दिन हम लोग को रूम नहीं देते उतना दिन तक तो हम लोग सुविधा देना चाहिए क्या नहीं? कितने साल हो गए आपको पैसे लेके फॉरेस्ट में? 2000 में पैसा लिया है, 2008 में हमारा पैसा भरा है बहिस में फॉरेस्ट वाले में, हाँ तभी से उसका पहले से तो हम लोग कितना दिन तकलीफ निकाले, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि इधर गुडोंगरी पे पानी नहीं आने आएगा, ब्लाइट नहीं मिलेगा, लेकिन जिधर आदमी रहता है उधर सुविधा तो देना चाहिए क्या नहीं? आप लोग वोट देते हो? हाँ, वोट तो देते हैं, वोट लेने के लिए नगर सेवक आता है, आमदार आता है, गली गली डोंगरी पे घूमता है, हाँ गली गली डोंगरी पे घूमता है, और जब भी सुविधा लेने का टाइम बोलते हैं कि हम फॉरेस्ट वाला हम लोग को लेन नहीं देने देता है, फॉरेस्ट वाला नहीं ले देते, तभी वोट लेने के लिए तुम कैसे आते हो फिर? हाँ तभी क्यों नहीं मना करते कि ये फॉरेस्ट में एरिया है तो हम लोग वोट लेने को नहीं आएंगे, क्यों नहीं मना करते हो? हाँ जब ये रूम रिपेयरिंग करने को लेगा तो उसको वो भी बात बोलते ये फॉरेस्ट का एरिया है हम लोग रिपेयरिंग करने नहीं देगा, हम लोग को 10,000 दो 20,000 दो, कहाँ से देंगे? हम लोग घर काम का करके खाने वाले है, हाँ कहाँ से देंगे? नगर सेवक विधायक सांसद सबको ही अपनी आप बीती सुना चुके हैं, लेकिन इनकी समस्या आज भी वैसे ही बरकरार है। भारत देश अपनी आजादी का रजत महोत्सव 26 जनवरी को मनाने वाला है, किंतु आर्थिक राजधानी मुंबई के केतकी पाड़ा धारखाड़ी जैसे क्षेत्र की जनता आज भी बदहाल जीवन यापन को मजबूर है। यहाँ रहने वाले नागरिकों की घरों की हालत काफी खराब है। जितेंद्र प्रताप सिंह। जितेंद्र जी, अभी हमने आपका रूम देखा, आप हाथ उठा रहे थे, पंखे को हाथ आ रहा है जी, आने जाने में रूम में तकलीफ होती है, दरवाजा छोटा है, तो क्या तकलीफ है जरा? बहुत सारी तकलीफें हैं यार, रूम को अगर थोड़ा ऊंचा करना चाहिए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आ जाता है, बोलता है आपको कोई फोन दिया परमिशन, अगर थोड़ा दो चार ईंटा उस पर रख लेते हैं तो आके गिरा के चले जाते हैं, ना हमको पानी की व्यवस्था है यहाँ पे। आप लोगों का रूम जो है सर्वे भी हो गया है, शिफ्टिंग के लिए भी चल रही थी चर्चा, क्या हुआ? तो 2011 में भी शिफ्टिंग देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज 2021 हो गया, कुछ का कोई नहीं ध्यान देता है, और 2021 होने के बाद भी अगर हम उससे कुछ करना चाहते हैं तो फॉरेस्ट और कुछ यहाँ के दलाल लोग आके हमको धमकाते हैं। क्या है नाम पूरा आपका? जितेंद्र प्रताप सिंह। कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? बस 35 साल के ऊपर हो गए। जय श्री पांडुरंग पिल्लई। कितने साल से इधर में आप रह रहे हैं? 30 साल हो गया। क्या तकलीफ है जरा? मुझे तकलीफ है, मेरी रात को 10 बजे आती है, रास्ता नहीं बराबर है, खड्डे पड्डे में जाना पड़ता है, खड्डे में से पानी भरना पड़ता है, नहीं पानी नहीं, संडास नहीं, और लाइट का भी दिक्कत, क्या करेंगे? बुढ़ी लोग किधर जाएगा? आप वोट देते हैं? हाँ मैं वोटिंग दे रही है। कितने साल से वोटिंग करते हैं? मैं हाँ यहाँ कितने साल से वोट देते हैं, जब से रह रहे हैं? तभी से दे रही है मैं वोट। आपके अपने नेताओं से अपनी परेशानी नहीं? सब बताया, कोई कुछ कर, और मुझे मेरा रेशन कार्ड भी नहीं, मैं ऐसा 2 किलो 1 किलो चावल लेके जाती है। अच्छा। मुझे कोई रेशन कार्ड भी नहीं पाया। पानी लाइट कहाँ से लेके आते, कैसे करते हैं? और लाइट तो हम लोग ने उधर से लिया है। अच्छा, तो आपको मीटर नहीं है? मीटर नहीं, कुछ नहीं है, आदमी भी मर गया मेरा, अभी मैं घर काम करती है, रात को 10 बजे आती है, खड्डे खड्डे में से एक तो दिखता भी कम है मुझे, गड्ढे में घर है, दरवाजे से झुककर घर में जाना पड़ता है, कुछ लोग अपने घर में ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, छत बहुत पीछे है, घरों को मरम्मत की अनुमति वन विभाग के अधिकारी नहीं देते, ऐसा आरोप यहाँ की जनता लगा रही है। सिस्टम है मानती हूँ, लेकिन जिधर किधर भी जंगल में भी जाएगा रूम बनाएगा उधर तो सुविधा देना गवर्नमेंट का काम है कि नहीं? गवर्नमेंट का काम है कि नहीं है, तो क्यों नहीं गवर्नमेंट हम लोग को सुविधा देता है? वोटिंग लेने कैसा हम लोग, तभी तुम्हारा हम कानून में बैठते हैं ना वोटिंग लेने के लिए, तभी क्यों नहीं बोलते ये फॉरेस्ट में लोग रहते, ये लोग का वोटिंग नहीं लेना चाहिए,
तभी तो गली गली घर घर में आके बोलते इसको जिता के दे उसको जिता के दे। हाँ तभी हम लोग वोट लेने जैसा आता है तुम्हारा यह कम सुविधा है तो हम लोग दे देंगे, ये लोग आते ही नहीं है। तेजू विश्वकर्मा, कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? मैं समझिए इंदिरा गांधी जमाने जो नंबर लगा था ना उसको 10 साल के और 10-15 साल के और पहले से। क्या तकलीफ है यहाँ पे? और तकलीफ समझिए वही हमारे रूम का तकलीफ है, चौंते लोग मरने में बना नहीं पाता था। वन विभाग से आप लोगों को परमिशन नहीं मिल पाता है? हाँ, वन विभाग के लोग क्या बोलते हैं बनाने क्यों नहीं देते? बनाने के शुरू करो तो आके तोड़ जाएंगे। अच्छा, आपका रूम काफ़ी गड्ढे में है। हाँ। जा नहीं पाते हो, एकदम झुक के जाना पड़ता है, चोट लग जाती है सर पे। आप लोग तो सामने देखें साहब, आप बोलिए ना क्या कहेंगे, सरकार प्रशासन से क्या मांग है आपकी? सरकार तरफ से, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे? मैं हमको रूम बन जाए, बुढ़ापा आदमी हो, कुछ सहारा तो होना चाहिए। कोई सहारा है नहीं मेरे पास, कोई सहारा, बूढ़ा भी नहीं है। ऐसे यहाँ पे सैकड़ों रूम हैं जिसको लाइट नहीं है, पानी नहीं है, गड्ढे में है, उनको जाने के लिए तकलीफ है। हाँ, बहुत है। मीटर नहीं है, पानी की नहीं है, सब परेशान है यहाँ पर। यहाँ के लोग सर्वे के बाद वन विभाग के पास 7,000 रुपए जमा भी करा चुके हैं, किंतु इनको आज तक किसी दूसरे स्थान पर शिफ्टिंग भी नहीं मिली है। इस मुद्दे पर स्थानीय जनता ने मीडिया से बातचीत में अपनी व्यथा सुनाई। समाज सेवक अमरनाथ झा ने जनता समस्याओं को लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी है। धारखड़ी एरिया में हम लोग आए हुए हैं, यहाँ का जो समस्या है वन विभाग की काफी पुरानी समस्या है, लाइट पानी हो, हाइटिंग की हो, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ऐसा है कि जब 2008 में ये मैटर चले 1995 से, तो कुछ लोग 2000 में पैसे भरे उनको शिफ्टिंग सरकार ने की है, और जो 2008 में जो पैसा भरा है तो उनको ना तो शिफ्टिंग किया गया ना तो उसको कोई व्यवस्था किया जाता है। अभी कैसा है कि 2008 या 2000 की बातें लें, 1995 की ले लीजिए, तो जो ज़मीन है धस्ती जा रही है, लोगों का जो घर है शॉर्ट होता जा रहा है, मतलब आप ठीक से उसमें घुस नहीं सकते, उसमें ठीक से जा नहीं सकते, ऊपर अगर पंखा लगाया हुआ है तो सीधा से खड़ा नहीं हो सकता, तो उसको अगर रिपेयरिंग करते हैं ना तो जो वन विभाग का अधिकारी है वो आकर के उनको काम को रोकता है और उनके ऊपर ये धमकी दे के जाता है कि मैं रूम तोड़ दूंगा। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम भारत देश के आज़ाद हैं, उसके बावजूद भी हमारे सामने में समस्या है। आपने कुछ लोगों से भी इंटरव्यू लिया होगा, उन्होंने आपको यह बयान दिया होगा। इसका एक कारण है कि जितने भी कामें हैं, जितने भी बातें हैं, मैं वन विभाग अधिकारी से और सरकार से यही निवेदन करूँगा कि यहाँ जो गरीब जनता लोग रह रहे हैं, गरीब लोग, उनके ऊपर इस तरह से अन्याय न करें। अगर वो घर रिपेयरिंग कर रहा है तो उन्हें रिपेयरिंग करने दें। हर बात पर आकर के वन विभाग अगर रोकता है कि भाई रिपेयरिंग नहीं कर सकते हो, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। एक दिन ऐसा आ जाएगा कि लोग आक्रोश में आके जन आंदोलन कर देगा, जिससे कि जनता का भी नुकसान हो सकता है और सरकार का भी नुकसान हो सकता है और वन अधिकारी का भी नुकसान हो सकता है। ये नुकसान न हो करके जनता को जो मांग है उसे सरकार पूरा करना चाहिए और वन विभाग आकर के यहाँ पर लोगों को तकलीफ नहीं देना चाहिए। ये हमारी, मतलब मैंने इसके ऊपर पत्र व्यवहार भी किया हुआ था कि भाई इस तरह से आपका वन अधिकारी जो आपके फॉरेस्ट ऑफिसर जो आ करके इन्हें रोकते हैं, काम होना रोके, और जो यहाँ वन अध्यक्ष है मैं उनसे भी मिला हुआ था, तो उनको भी बात किया मैं उनसे, तो बोले अगर ऐसा कुछ है तो आप हमारे पास रिपोर्ट करें। लेकिन मैं उनको भी पत्र व्यवहार किया हूँ, लेकिन उनके पर भी कोई सुनवाई कार्रवाई नहीं होती है। तो मेरा ऐसा अधिकार मांग है कि जो वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ के गरीबों लोगों को परेशान न करे। अगर वो रिपेयरिंग करता है उन्हें रिपेयरिंग करने दिया जाए। अगर आप इस तरह से नहीं बदलाव लाएंगे वन अधिकारी, तो आने वाले दिन में मैं जन आंदोलन कर दूंगा, जिससे कि हो सकता है मेरा भी नुकसान हो सकता है, जिसपे कि हमारे पर केस भी हो सकती है, तो मैं उसको परवाह न करते हुए मैं आंदोलन का रुख कर दूंगा और यहाँ का जो गरीब जनता लोगों हैं उनके लिए मैं ये जन आंदोलन करने की पूरी तैयारी करूँगा। नहीं तो वन अधिकारी से मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि वो इस कार्य को कहीं ना कहीं थमावे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो घूमे नहीं, सर्वे न करें, घूमें, सर्वे करें, सब कुछ करें, क्योंकि लेकिन जिसका घर टूटने के कगार पे है उन्हें रिपेयरिंग करने से न रोके। आए दिन में आपको मालूम पड़ाना चाहिए कि पेड़ गिरने से लोग जख्मी हो गया, रूम गिरने से लोग जख्मी हुआ और मर गए, उसके बावजूद भी न तो सरकार की आँख खुल रही है और न तो वन विभाग के अधिकारी को आँख खुल रही है।
तो इसलिए एक दिन चुनाव आता है अमरनाथ जी, नेता बार बार आश्वासन देते हैं कि यहाँ के लोगों को शिफ्टिंग कराएंगे, काफ़ी लोगों का सर्वे हुआ है, पैसे भी भरे हैं, लेकिन चुनाव जब जाता है तो सब नेता लोग भूल जाते हैं। ये हमारे देश के दुर्भाग्य है कि नेता सिर्फ वोट के टाइम ही आएंगे, बाकी टाइम में नहीं आएंगे, क्योंकि उनका वो जीतने के बाद यहाँ के जनता को भूल जाते हैं। हम भी जनते में आते हैं तो हम जनते इतने मूर्ख हैं कि मूर्ख बन जाते हैं, क्या करें, मूर्ख बनाने के लिए तो है। जैसे आपने देखा कि देश के जो मुखिया हैं, प्रधान हैं, वो भी बेवकूफ़ बना दिए, तो लोग बेवकूफ़ बनने का है, हम भी बेवकूफ़ बन जाते हैं। विश्वास है सबसे बड़ी चीज़ है, ये भारत देश है, एक अंधविश्वास पे चलते हैं कि आने वाले दिन में अगर दूसरा कोई नेता आएगा तो हमारा काम करेगा, लेकिन कोई करता नहीं है। ये हमारा दुर्भाग्य है और हम इसी दुर्भाग्य पे जी रहे हैं। यहाँ के लोग 50 साल 70 साल से रह रहे हैं, आज़ादी के पहले से भी कुछ लोग हैं, उनके वोट को लीगल माना जाता है लेकिन उनके घर को अनलीगल माना जा रहा है। ऐसा है कि 1945 से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, 1945 जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बावजूद भी आदिवासी लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को वन विभाग करके घोषित कर दिया गया और लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश करता है। ना तो पानी का सुविधा गया, ना रास्ता का सुविधा दिया गया, समझे, लोगों को सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। आप बाथरूम का फोटो खींच के देख लीजिए, वहाँ बाथरूम सही से नहीं है, महिलाएं रहती है, और सबसे बड़ा लोग क्या बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ, क्या बोलते हैं उसको, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, तो हम पढ़ाएंगे तो लाइट नहीं है, अगर जो लाइट है भाड़े से लिया हुआ है। बाथरूम में बेटी का हम बहुत सारे सम्मान देते हैं, बाथरूम में है ही नहीं, लोग जाएँ कहाँ। समस्या अनेक है लेकिन समस्या सुधारने वाला, समस्या को सुलझाने वाला कोई नहीं है, नेता सब है। यहाँ पर खासदार देखिए इतने बड़े, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि खासदार यहाँ कभी राउंड के लिए, अभी इलेक्शन आएगा महानगर पालिका तो यहाँ पर आमदार आएंगे, खासदार आएंगे, सो एन सो आएंगे, सारे लोग आएंगे, पब्लिक को यहाँ मीटिंग लेंगे और कहेंगे कि हम तुम्हारा घर संगमरमर से बना देंगे, हम जीत के हमको एक बार और चांस दे दो, तो हम बेवकूफ़ लोग हैं फिर बेवकूफ़ बन जाएंगे और उनको जिता देंगे। तो बड़े जनप्रतिनिधि हैं, आमदार हैं, खासदार हैं, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते सदन में? नहीं, कारण ऐसा है कि उनको फिर, अरे बाप रे, लोग को बेवकूफ़ कैसे बनाएंगे अगर सदन में आवाज़ उठाएंगे, वो बोलेंगे हमारे पास जगह नहीं है, तुम जगह ढूंढ के दो, तो समझ में ये नहीं आता। ये सरकार के नक्शा प्लानिंग में रहता है, हमारे प्लानिंग में है क्या जगह कहाँ है नहीं है करके, गवर्नमेंट की जगह कहाँ है। अब यहाँ के जनता को आप भेज देंगे पनवेल में तो काम कहाँ करेगा, रोजगार कहाँ है, वहाँ के लोग बम्बई आता है रोजगार ढूंढने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ के लोगों को यहीं पर इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं? नहीं, हम तो मानते हैं कि जैसे संसद है, वो संसद में आज आप संसद में आवाज़ उठा सकते थे, क्योंकि आप ये बोल रहे हैं कि सेंट्रल फॉरेस्ट आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फॉरेस्ट आता है, क्या सेंट्रल के पास में कोई जगह ही नहीं है, या यहाँ पर मैं किसका सरकार है वो मैंने नहीं रखता है, सरकार किसी का भी होने दीजिए, लेकिन अगर जनता को आप काम करते हैं ना तो जनता सदा आपको आभार व्यक्त करेगा, जनता सदा आपके गुण गाएगा, ये मेरा उद्देश्य है। मैं किसी के विरोध नहीं बोलता, मेरा कहने का मतलब ये है कि लोगों का काम होना चाहिए, लोग सुख से जीना चाहिए, सबका जीने का अधिकार है, आप जीना ही छीन रहे हो, वन विभाग को सीधा भेजोगे। और दूसरी बात, मैं यहाँ जनता के लोगों से आगाह करना चाहता हूँ कि अगर शिकायत करता, अगर आप रूम बनाते हो, अगर शिकायत करता कोई वन विभाग को शिकायत करता है तो आप तत्पर तैयार रहिए और हमें फ़ोन कीजिए, हम आएंगे आपके मदद के लिए। कारण ऐसा है कि यहाँ पर गोर गरीब लोग रहते हैं, जैसे बर्तन घिस के आप पेट भरता है, कोई वॉचमैनी करके पेट भरता है, कोई क्या बोलते हैं अपना रोड पे काम प्लम्बिंग का काम करके पेट भरता है, और वो आदमी पैसा जुगाड़ करके एक रूम रिपेयरिंग करने के लिए आता है, आप उसमें से भी आप बोलोगे भाई हमको इनको देना है, हमको उनको देना, अरे किसको देना है, जगह मेरा, मैं देश के वासी हूँ कि नहीं, हमारा अधिकार है कि नहीं, हम भारत देश के लोग हैं,